शाम के 6:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां दिन की हर बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। बिल्कुल, और पंचनामा में हर वो खबर हम आपको दिखाते हैं जो अगले दिन अखबारों में बनती है हेडलाइंस, और इसीलिए हफ्ते के 7 दिन हम आप तक पहुंचा रहे हैं पंचनामा। आज राफेल डील और डोकलाम को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और मोदी सरकार पर किया बड़ा हमला, इस खबर पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। राज ठाकरे के साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी ने मुसलमानों के खिलाफ दिया है विवादित बयान, एक एक बयान दिखाएंगे आपको आज। तो आइए पंचनामा की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है बारिश की खबर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य बारिश से बेहाल है। सीधे आपको आगरा लेकर चलते हैं, यहाँ लोग भी बारिश से परेशान है और ताजमहल भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन से डूबी ये गाड़ियां किसी तालाब में नहीं बल्कि आगरा के रिहायशी इलाके में डूबी हैं। गाड़ियों के सिर्फ छत ही बचे हैं। आगरा में लगातार 3 दिन से हुई बारिश के बाद ये हाल हुआ है। पिछले 24 घंटे में आगरा में 115 मिलीमीटर बारिश हुई है। आगरा के निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश से जुड़े हादसों में 3 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। शहर में फवारा मार्केट में एक 3 मंजिला इमारत भी ढह गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। वहीं भारी बारिश के बाद ताजमहल परिसर में भी जल जमा हो गया है, जिससे ताज का दीदार करने आए पर्यटकों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर पहले जो ताज की सुरक्षा है उसे लेकर पीलापन जो है वो दिक्कत बना हुआ था, लेकिन अब तो नेहा बारिश का जो गीलापन है वो भी मुसीबत बन रहा है। खैर, ताज नगरी से अखिलेश चलिए रुक कर लेते हैं हम कृष्ण की नगरी मथुरा का, जहां पिछले 24 घंटों में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों में पानी, सड़कों पे पानी, मोहल्ले पानी से लबालब। तस्वीरें कृष्ण की नगरी मथुरा की हैं, जहां पिछले 24 घंटे में हो रही बारिश के बाद हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये देखिए इस बाइक वाले की बाइक सड़क पर मौजूद गड्ढों में कैसे गिर गई। शुक्र है इस बाइक वाले की जान बच गई। वहीं ये साइकिल वाला भी नाले में गिरने से बाल बाल बचा। वृंदावन के राधा निवास में घरों में पानी घुस चुका है, लोग ऐसे ही रहने को मजबूर हैं। बहुत परेशानी रहते, बरसात में घरों में पानी घुस गए हैं। हाँ, लोग परेशान हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। इस वक्त मथुरा के गोवर्धन में विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा है। वहाँ भी जलभराव की समस्या से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए विवेक, राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, बारिश होती नहीं है कि सरकारी इंतजामों की कलई खुल जाती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में चर्चित कैंपटी वाटरफॉल भारी बारिश के बाद विकराल रूप दिखा रहा है। झरने की आवाज ऐसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। भारी बारिश के बाद मसूरी का कैंपटी वाटरफॉल रौद्र रूप ले चुका है। पानी की धार इतनी तेज है कि सामने पुलिया तक जा रही है। वही कैंपटी वाटरफॉल के आसपास मौजूद दुकानों को भी खाली करा दिया गया है, कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, कैंपटी फॉल का ये रौद्र रूप बहुत डराने वाला भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात यमुनोत्री हाईवे की, जो पिछले 5 दिनों से बंद है और श्रद्धालुओं को भारी मुसीबत हो रही है। 5 दिन से हाईवे बंद होने की वजह से यात्रियों को ओजरी होते हुए 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सियानचट्टी जाना पड़ रहा है। पुलिस के जवान जान जोखिम में डालकर यात्रियों को रस्सी के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने में लगे हैं। डाबरकोट के पास भूस्खलन से रास्ता बंद है, ऐसे में यमुनोत्री धाम के लिए निकले श्रद्धालुओं और लगभग 20 गांव के निवासियों को ऐसे ही रास्ता पार करना पड़ रहा है। वहीं पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में आई आपदा के बाद अब हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। दारमा घाटी की यह भयावह तस्वीर सामने आई है, जहाँ मार्ग टूटने के बाद लोग जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इस मार्ग में इतना खतरा है कि कभी भी कुछ हो सकता है। श्वेता, आपने यमुनोत्री हाईवे का हाल दिखाया, राजधानी दिल्ली का भी लगभग ऐसा ही हाल है। 3 दिन से बारिश हो रही है और अब तक जल भराव का हल नहीं ढूंढा जा सका है। दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान के पास की सड़क पर जल जमाव ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। वहीं शुक्रवार से जारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला है। गुरुवार सुबह से ही दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, सारी रात बारिश होती रही और सुबह के वक्त भी
बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। हालांकि इस बारिश से जलभराव भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह की ये तस्वीर है, जो जगह इस समय हम मौजूद हैं, आपको बता देंगे कितनी खास जगह है। दरअसल इस जगह पर, जहां पर जिस सड़क पर अभी पानी भरा हुआ है, इसके ठीक बगल में रामलीला मैदान मौजूद है, दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 55 मिलीमीटर बारिश हुई है और अगले दो दिन तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रह सकता है। राजधानी दिल्ली में हो रही बरसात के चलते जहां कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, तो कई जगह जाम लग गया है। इस वक्त हम रिंग रोड पर धौला कुआं पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं सड़क का नज़ारा, बेहद लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ये रास्ता धौला कुआं से एम्स की तरफ जाता है। तो इतना बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, इतना बुरा हाल। रोमाना, सोचिए बाकी जगहों का क्या हाल होगा। देखिए, दिल्ली से सटे मेरठ में भी बारिश का असर साफ दिखा। यहां भारी बारिश के बाद बस जलजमाव की वजह से बीच सड़क में फंस गई। तस्वीरें देखिए आप, ये सड़क है, कोई नदी या नहर नहीं है, लेकिन सड़क पानी से पूरी तरह भरी हुई और बस का सिर्फ ऊपरी हिस्सा आप देख पा रहे हैं। ये हाल है हमारे देश के ड्रेनेज सिस्टम की, यूपी के मेरठ में आफत की ये बारिश। बहरहाल, अब अगली खबर डोकलाम में चीनी घुसपैठ को लेकर अमेरिकी संसद में एक बयान दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस ने आज देश में राजनीति का पारा चढ़ा दिया कि 56 इंच की छाती वाले और चीन से लाल आंख दिखाकर बात करने का वादा करने वाले मोदी जी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पूरी तौर से चुप्पी साधे बैठे हैं, जब चीन नॉर्थ और साउथ डोकलाम में सैन्य सामग्री और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। ये सरकार 56 इंच का सीना और लाल आंख कब दिखाएगी, और इस देश की सीमाओं की और इस देश के सामरिक दृष्टि से जुड़े मुद्दों पर साहस कब दिखाएगी, ये 132 करोड़ लोग जानना चाहते हैं। डोकलाम में चीन की दादागिरी पर सरकार पर कांग्रेस इसलिए हमला कर रही है क्योंकि अमेरिका की संसद में कहा गया है कि डोकलाम में चीन ने फिर चुपचाप घुसपैठ कर ली है। अमेरिकी सांसद के मुताबिक चीन की इस हरकत पर हिंदुस्तान भी चुप है और भूटान भी। लेकिन मोदी सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया है। कांग्रेस ने आज राफेल डील को लेकर भी सरकार पर नया हमला बोला है। रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का गठन 28 मार्च 2015 को हुआ, यानी 12 दिन पहले 10 अप्रैल 2015 से, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 36 लड़ाकू जहाज यकायक और एकाएक खरीदने की घोषणा फ्रांस में की। आश्चर्य ये भी है कि एक और रिलायंस समूह की कंपनी और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड 24 अप्रैल 2015 उसके 14 दिन बाद बच जाती है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है और उसकी जो दोनों, अगर मैं खड़ी बोली में कहूं कि उनके जो दोनों बेटे बेटियां कंपनी हैं, रिलायंस डिफेंस एंड रिलायंस एरोस्ट्रक्चर, उन तीनों कंपनियों के पास ना जहाज बनाने का लाइसेंस था ना जहाज बनाने का अनुभव था। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने जब लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो उसने अपना एड्रेस दिया 589 तालुका जफराबाद, गांव लुनसापुर, जिला अमरेली, गुजरात। पर उस दिन यहां पर जो कंपनी है थी, जो इस प्रेमिसेस की मालिक है, वो रिलायंस की कंपनी ही नहीं थी। उसकी मलकियत तो एक कोई और गांधी जी हैं, उनके पास थी। तो कांग्रेस ने राफेल डील पर क्या कहा, ये तो आप सभी ने सुना। लेकिन एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इलाहाबाद में संतों के साथ पूजा अर्चना करते दिखे। इलाहाबाद दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहले जूना अखाड़े में पूजा अर्चना की और उसके बाद मौजगिरी मंदिर में भगवान शिव की पूजा की। अमित शाह की इस यात्रा के कई मायने निकाले और समझे जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अमित शाह की ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म और सियासत का गठजोड़ इसे अलग रंग दे रहा है। माना जा रहा है कि यह यात्रा बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को पुख्ता करने के लिए है। जनवरी 2019 में कुंभ मेला लगेगा जिसमें देश विदेश से करोड़ों हिंदू आएंगे। इसके बाद ही आम चुनावों का बिगुल भी बज जाएगा। अमित शाह ने मठ बागम्भरी गद्दी में अखाड़ा परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में अयोध्या मंदिर, गोहत्या पाबंदी, गंगा की सफाई जैसे मुद्दों पर अमित शाह और संतों ने चर्चा की। आप देख रहे हैं पंचनामा और अब खबर
कारोबार जगत से। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। देश के शेयर बाजार में आज दिन भर तेजी बनी रही। शाम को सेंसेक्स 352 अंक ऊपर 37,336 पर बंद हुआ और निफ्टी 111 अंक ऊपर 11,278 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स ने आज 37,368 अंक की ऊंचाई को छुआ, जो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह निफ्टी भी 11,283 अंक तक पहुंचा, ये भी एक रिकॉर्ड है। आज की तेजी का बड़ा कारण है आईटीसी ग्रुप का कल आया तिमाही परिणाम, जिसकी वजह से आईटीसी के शेयरों ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में खासी तेजी दिखाई। पिछले दो दिनों से शेयर बाजार में आई इस तेजी का बड़ा कारण है सकारात्मक एशियाई रुख और मजबूत विदेशी पूंजी निवेश। पंचनामा में आप बिजनेस से चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ। प्रियंका चोपड़ा ने अपने बॉयफ्रेंड निक जोनस से सगाई कर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक प्रियंका और निक जोनस की सगाई एक महीने पहले ही हो गई थी। ऐसी खबरें कि प्रियंका चोपड़ा के 36वें जन्मदिन पर निक ने उन्हें लंदन में प्रपोज किया था। इस बीच प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म भारत को भी बीच में ही छोड़ दिया और इसका खुलासा खुद फिल्म के निर्देशक अली अब्बास ने किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसी खास वजह से प्रियंका ने फिल्म भारत को छोड़ दिया है और वो प्रियंका के लिए काफी खुश हैं। हाल ही में प्रियंका निक को अपने परिवार से मिलाने भारत लेकर आई थी। तेज रफ्तार खबरों का शो पंचनामा आप देख रहे थे, आगे जरूर देखिएगा बिहार का नेता कैसा हो चित्रा त्रिपाठी के साथ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।